सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम दोबारा से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो के साथ। एंड गाइस आज की वीडियो के अंदर अपने बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के कॉल फार्म, जो कि काफ़ी यार हेल्पफुल रहता है एक सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। एंड गाइस ये कॉल फार्म अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, बेडरॉक एडिशन एंड जावा एडिशन तीनों एडिशन में वर्क करेगा। एंड इसके अंदर जो मैथ लगती है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कैसे ये वर्क करता है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यार मैं ला रहा हूँ एक SMP जो कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए रहेगी, जिसका नाम होगा द गार्डियंस SMP, जो कि एक सर्वाइवल SMP रहेगी, जस्ट लाइक जो पॉपुलर SMPs हैं वैसा ही कुछ। एंड गाइस इस SMP के अंदर अप टू 25 प्लेयर्स ऑनलाइन प्ले करेंगे। एंड हाँ, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर जाओ एंड वहाँ पर 200 स्पेशल वीडियो है एक, एंड उसको जाके चेकआउट कर लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड आप कैसे उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आप सिलेक्ट कैसे हो सकते हो, कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ आपको उसके अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाओ एंड वो 200 स्पेशल वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अपने आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। एंड सबसे पहले अपने यहाँ पे फार्म बनाएंगे। ठीक है, पीछे की साइड देख सकते हो मेरे काफ़ी सारे फार्म हैं। एंड अपने इस साइड को फेस करते हुए यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना है। एंड ब्लॉक के इस साइड को आना अपने को, एंड यहाँ पे क्राउच होकर के एक हॉपर प्लेस करना है। एंड हॉपर के ऊपर अपने को एक फर्नेस प्लेस करनी है एंड कुछ इस तरीके से। एंड फिर यहाँ पे इस ब्लॉक को तोड़ना है। इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे अपने को एक ड्रॉपर प्लेस करना है कुछ ऐसा। एक साइड उसको क्यों तोड़ दिया मैंने, वहाँ पर ब्लॉक लगा देते हैं भाई फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पर अपने को हॉपर के साथ एक डिस्पेंसर प्लेस करना है कुछ ऐसे। ठीक है, एंड गाइज ये फार्म काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी छोटा सा फार्म है। एंड अब अपने को ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपने को एक एक हॉपर प्लेस करना है। वेट, मेरे को नीचे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ पे अपने हॉपर नहीं लगा सकते। तो गाइस एक इसके साथ लगा दिया एंड दूसरा हॉपर अपने को इसके साथ लगाना है कुछ ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ पे अपने हॉपर लगाएंगे ऐसा। ठीक है, तो गाइस ये हो चुका है अपना। ऑलराइट गाइस, तो अपने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद अपने को यहाँ पे एक चेस्ट लगानी है एंड एक चेस्ट यहाँ पे लगानी है। भाई दोनों को अपने को बड़ा डबल चेस्ट करनी पड़ेगी कुछ ऐसा। ठीक है, ये होने के बाद अपने को चढ़ जाना है इसके ऊपर। वेट एक सेकंड, हाँ तो मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे क्राउच होकर के अपने को एक और हॉपर प्लेस करना है कुछ ऐसा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, वेट एक सेकंड, उसको हटा देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं आप वैसा अपने वर्ल्ड में भी लगा दो। तो गाइस इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस अपना ये हो चुका है एंड बस यही सिस्टम बनेगा इसका। एंड इसके बाद थोड़ा सा रेडस्टोन का काम है एंड थोड़ा सा कैल्प वगैरह का काम है, वो देख लेते हैं अपन। तो गाइस अपने को आ जाना है यहाँ पे, यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे अपने को 6 ब्लॉक प्लेस करने हैं। एंड फिर इसके इस साइड को अपने को 5 ब्लॉक प्लेस करने हैं। जैसे आप 5 ब्लॉक प्लेस करोगे, हॉपर के जस्ट ऊपर एक ब्लॉक और प्लेस हो जाएगा ग्लास का, तो यहाँ पे अपने को एक ब्लॉक और प्लेस करना था। एंड इसको अपने को 2 ब्लॉक आगे खींचना है एंड इसको भी 2 ब्लॉक आगे खींचना है। ठीक है, एंड फिर चेस्ट के ऊपर अपने को यहाँ पे भी एक ग्लास प्लेस करना है, ग्लास ब्लॉक। एंड गाइस फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे ना अपने को इस वाले ब्लॉक पे अपने को पानी डालना पड़ेगा। वेट एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड अभी अपने इसके ऊपर पानी डाल देते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पे अपने को पानी डालना है कुछ ऐसा। ठीक है, जो कि अपने हॉपर पे भी आएगा एंड नीचे भी जाएगा। तो अभी अपने को चाहिए रहेगी कैल्प, क्योंकि अपने इस पानी को करना पड़ेगा भरा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लगाएंगे कैल्प एंड इसको ऊपर तक लगा देंगे जहाँ तक अपना पानी जा रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको ऊपर तक लगाते हैं। ऑलराइट, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो गाइस ये हो चुका है एंड अभी अपना जो वाटर है वो पूरा पूरा मतलब कि फिल हो चुका है, पूरा मतलब कि ब्लॉक बन चुका है वाटर का नीचे भी। तो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं है वाटर का। ठीक है, तो अपने को नीचे वाला कैल्प को तोड़ना पड़ेगा, सारे सारे टूट जाएंगे। एंड फिर यहाँ पे अपने को इस डर्ट को हटाना पड़ेगा। डर्ट को हटाने के बाद अपने को यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी सॉल्ट सैंड, जिससे कि अपने ऊपर उठते हैं पानी के अंदर। एंड बस अपना ये बन के रेडी हो चुका है एंड फिर इसको ऊपर से बंद कर देना कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसी लुक आएगी। ऑलराइट, तो नीचे उतर जाना आपको। एंड नीचे उतरने के बाद आपको क्या करना है, अब देख सकते हो तो काफ़ी यार अच्छा लग रहा है आपको। एंड यहाँ पे अपने को 1, 2 एंड 3 इसको भी हटाना ही था हटाना ही था। एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4 इसको हटाना था। तो गाइस यहाँ पे अपने को 5 ब्लॉक ऐसे करके लाइन से हटाने हैं हॉपर के नीचे से। एंड फिर इसको एक और ब्लॉक हटाना, मतलब कि 5, 5, 10 ब्लॉक हटाने हैं एक ही लाइन में। ठीक है, मतलब 2 ब्लॉक टिक करना है इसको। उस साइड को अपने को एक ग्लास प्लेस करना है एंड ग्लास के ऊपर अपने को प्लेस करनी है रेड स्टोन डस्ट।
बट उससे पहले अपने यहाँ पे कोई भी रैंडम ब्लॉक प्लेस कर देंगे। मैं यहाँ पे ये स्टोन ब्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को चाहिए रहेगी रेड स्टोन डस्ट, जो कि यहाँ पे लगेंगी, और फिर यहाँ पे इसको यहाँ तक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद अपने को यहाँ पे इस साइड को भी ग्लास लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर तीन ग्लास लगेंगे अपने यहाँ पे ग्लास ब्लॉक, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा गाइस, देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल खाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एंड फिर अपने को क्या चाहिए रहेगा, यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट लगानी है, एंड यहाँ पे भी रेड स्टोन डस्ट, बट यहाँ पे नहीं लगानी अपने को। तो गाइस अपने को यहाँ पे इस साइड को आ जाना, क्राउच हो जाना, एंड यहाँ पे अपने चाहिए रहेगा रेड स्टोन कॉम्परेटर, कॉम्परेटर वाल तो बोलते हैं ना, पता नहीं इसको क्या बोलते, कॉम्परेटर बोलते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे अपने चाहिए रेड स्टोन रिपीटर, एंड ये दोनों अपने को कुछ इस साइड को फेस करते हुए लगाने, अब ये ध्यान से लगा देना, ठीक है। तो गाइस अपना फॉर्म बन के रेडी हो चुका है, एंड अभी मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसका क्या यूज़ है, जब अपने ऊपर वाली चेस्ट के अंदर, वेट एक सेकंड, हाँ इसमें अपने, वेट एक सेकंड भाई, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मेरे से भाई। मैंने यहाँ पे ड्रॉपर लगा रखा है, मैंने यहाँ पे फर्नेस लगानी थी, ड्रॉपर लगा रखा है, बोलो यहाँ पे ये ड्रॉपर है, इधर भी ड्रॉपर है भाई साहब। तो ऑलराइट गाइस अभी अपने यहाँ पे दोबारा से आ चुके हैं, यहाँ पे अपने लगाएंगे एक फर्नेस, क्योंकि यार फर्नेस की ज़रूरत है अपने, यहाँ पे ड्रॉपर की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस तो अपना फॉर्म बन के रेडी हो चुका है, एंड इसको वापस से डाल देते हैं। तो गाइस अब अपने इसका वर्क देखते हैं, एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, एंड हाँ आपके वर्ल्ड में वर्क करता है नहीं करता वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ एक कॉल चाहिए रहेगा, एंड इसके अंदर अपने को डालनी पड़ेगी जितनी वुड हो सकती है, अपने को इसके अंदर डालनी पड़ेगा, आप जितना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। एंड इसके ऊपर और भी चेस्ट लगा के और भी डाल सकते हो, हॉपर लगा के, वो आपकी मर्जी है, बट मैं तो यार छोटा सा बस एक ही बहुत है, इतने सारे कॉल बन जाएंगे बहुत है भाई ये तो कॉल, ठीक है। गाइस इसको सारे के सारे फिल कर देते हैं, एंड इस चेस्ट से हॉपर के थ्रू ये वुड जाएगा नीचे फर्नेस के अंदर, एंड फर्नेस से ये कोल बन के नीचे हॉपर से ये ड्रॉपर के अंदर जाएगा, ड्रॉपर इसको पानी में फेंकेगा, पानी से ऊपर उठ के आएगा, वो पीछे वाली चेस्ट के अंदर आएगा, पीछे वाली चेस्ट से नीचे हॉपर में आएगा, एंड कुछ ऐसा सा ये रोटेट हो आएगा, एंड इस हॉपर में आएगा, हॉपर से इस चेस्ट में आएगा, चेस्ट से इस हॉपर में, हॉपर से इस फर्नेस में कोल आएगा, ठीक है। तो गाइस अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि अभी फर्नेस भी फुल होगा, कम से कम वन स्टैक कोल फर्नेस के अंदर आएगा, तब इसके अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, तो वो भी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, बट हाँ देख सकते हो इसके अंदर एक ही कॉल लगेगा अपना, एंड एक ही कॉल रहना चाहिए इसके अंदर, जिससे अपना फॉर्म दोबारा से स्टार्ट हो पाए। तो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आपको ये फॉर्म कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हाँ गाइस मेरी 200 स्पेशल वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लेना, एंड उसमें मैंने बताया था कि यार मैं एक SMP ला रहा हूँ, जो कि सर्वाइवल SMP रहेगी, जिसका नाम होगा द गार्डियंस SMP, जो कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए होगी, एंड आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो उसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि मैंने बताया 200 स्पेशल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो यार मिलता आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।